ये बेसिस इस एलियट वेव थेरी के बेसिस पे ही मैंने एनालिसिस किया है सो so इसका मैं थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ सो वेन यू सी ऑन माई स्क्रीन देर इज़ अ डायग्राम हियर विथ वेव वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस इज़ कॉल्ड एज इम्पल्स मूव सो एलियट वेव में ये इम्पल्स वेव कहा जाता है इम्पल्स वेव में पांच मूव्स रहते हैं मेजर पांच मूव्स रहते हैं सो हियर आफ्टर दैट देर इज़ वन करेक्शन ए बी सी पांच मूव्स के बाद ये एक दो तीन चार ये पाँच ये पांच मूव्स के बाद एक थ्री मूव्स का करेक्शन आता है ओके सो दिस इज हाउ द एलियट वेव प्रिंसिपल इज वर्किंग सो ये वेव प्रिंसिपल है सो इन ईच वन थ्री एंड फाइव वेव्स, यू सी दैट इंटरनली इट हैज फाइव मूव्स ओके सो ऑलवेज इट इज लाइक दिस सो समटाइम्स इट मे नॉट बी विजिबल टू यू दीज फाइव मूव्स बट या सो दिस इज हाउ द वेव स्ट्रक्चर वर्क्स एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी वेन

so now let's check the nifty chart so on nifty chart you see that i have plotted eliot waves here and here you can see this is a daily chart right from uh, this is daily chart right from 7511 okay 7541 से मैंने eliot wave plot किया है to 18600 तो यहां तक जो move है इसके ऊपर eliot wave plot किया है so अभी आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 और ये fifth wave है so fifth wave की फिफ्थ वेव ये वाला जो है ये एक्सटेंडेड है ओके okay, ये मतलब बड़ा हो गया है ये ज़्यादा बड़ा है ये 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 वेव्स छोटे थे इसलिए ये सबसे बड़ा हो गया है एलियट वेव प्रिंसिपल सेज़ वन ऑफ द फाइव वेव्स गेट एक्सटेंडेड सो इधर थ्री गेट्स एक्सटेंडेड और फिफ्थ गेट एक्सटेंडेड दोनों में से एक कोई तो एक्सटेंड हो जाता है सो फिफ्थ वेव जो है वो एक्सटेंड हो चुका है इस केस में तो इसमें आप ज़्यादा मूव देख रहे हो इंटरनली ओके सो दिस इज़ हाउ द एलियट वेव प्रिंसिपल वर्कस फॉर निफ्टी ये आ, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बाद जो है निफ्टी अभी ड्रॉपिंग स्टेट में है अभी ड्रॉप कर रहा है नीचे सो so, उसके टारगेट्स हम लोग निकालेंगे बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब ऐसे मूव्स रहते हैं तो उसमें आप देखोगे कि एम एस सी डाइवर्जेंस दिख रहा है सो एम एस हैज़ थ्री टच पॉइंट्स वन टू थ्री फोर्थ टाइम इट ब्रेक्स दैट ट्रेंड लाइन एंड देन फाइनल पुश स्टार्ट्स सो दिस इज़ पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज़ स्टार्टेड द फाइनल पुश एंड देन स्टार्टेड द ड्रॉप सो ये इसका एनालिसिस हमने एक वीडियो में दिया था यहाँ पे ये वीडियो में आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बोला गया है कि ये कैसे करेक्शन को स्पॉट करना है एंड हाउ टू ट्रेड इन द इन सच करेक्शंस कीपिंग द परस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सो अभी हमें जो करेक्शन लग रहा है करेक्शन स्टेप्स अभी चालू है नाउ द करेक्शन स्टेप्स हैव बीन स्टार्टेड इन द निफ्टी सो निफ्टी इज गोइंग डाउन डाउन साइड इट हैज़ ब्रोकन दिस चैनल सो यू कैन सी दैट दर इज़ अ चैनल प्लॉटेड ऑन थर्ड एंड फोर्थ वेव राइट सो वैन यू कनेक्ट दीज पॉइंट्स

जो कि मुझे लगता है कि मैं सही बनाया है चार्ट एंड बेस्ड ऑन दैट आई सीम टू सी दैट निफ्टी इज़ गोइंग टूवर्ड्स दिस टारगेट ओके यूजअली इतना जाता है बट सम केसेस में नीचे भी जाता है पॉइंट थ्री एट टू पे पॉइंट थ्री एट टू पे भी जा सकता है ये जाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी बूम हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह वगैरह तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू रीच मे बी दिस इज गोइंग टू बी टच बट दैट ऑल्सो डज नॉट सिम टू बी हैपनिंग ओके ये भी होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं चौदह हजार तीन सौ या चार सौ जाने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं सो मोस्टली इट विल एंड नियर सिक्सटीन हंड्रेड सॉरी सिक्सटीन थाउजेंड सोलह हजार के पास में ये करेक्शन एंड करेगा एज पर माई एनालिसिस इट कैन बी रॉन्ग एज वेल सो यू हैव टू टेक डिसीजन्स ऑन योर ओन सो या दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो डिस्क्लेमर सो ये एक एजुकेशनल वीडियो है यहाँ पे जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है बट चांसेस यहाँ पे जाने के मुझे ज्यादा लग रहे हैं एज पर मै एनालिसिस सो आगे जाते हैं अभी हम लोग जो नीचे आ रहा है ये ये वाला जो पोर्शन है उसको जूम करके देखते हैं क्या हो रहा है सो वेन यू जूम दैट यू सी हियर वी आर इन अ ट्रिपल एग्जैक्ट करेक्शन ये एक ट्रिपल एग्जैक्ट करेक्शन है uh, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी सी रहता है तो डब्ल्यू बनता है ओके okay, एक सिंगल ए बी सी है जो हमने बड़ा वाला देखा था ए बी सी वो यहाँ पे डब्ल्यू से डिनोट होगा क्योंकि ये चैनल में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप दे रहा है ये बड़ा ड्रॉप नहीं दे रहा है तो इसको हम डब्ल्यू बोलेंगे इसको एक्स ओके okay, ये कनेक्शन करता है इनका तो ये ए बी सी और एक हो गया इसको वाई बोलेंगे एंड देन एक्स अगेन एंड देन जेड सो ये ट्रिपल्स एग्जैक्ट कनेक्शन लग रहा है अर्लियर वी वी थिंकिंग दैट दिस इज डब्ल्यू एक्स एंड दिस इज वाई दिस इज एक्स एक्स

so when you plot fibonacci extension on this point this point and this point you get the target for y wave okay so y wave aap yaha pe dekh rahe ho ki maine fibonacci plot kiya hai to तो 16840 dikh raha hai 1.38 1.38 fibonacci extension ke sath so 1.38 is nothing nothing but 382 is nothing but ye length ka ye length ko agar ye jo top ka length hai 17 uh, sorry 18600 to 17600 ये जो नंबर है इसको इसका इसमें इस से मतलब एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर माइनस आप सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन करोगे तो उसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो डिफरेंस आता है उस मतलब इसकी लेंथ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो वन पॉइंट थ्री एट टू से तो ये टारगेट आता है सिक्सटीन थाउजेंड एट फोटी सो ये वो टारगेट यहाँ पर आ चुका है राइट वाई वेव इतना मूव हुआ है डब्ल्यू वेव के कंपेयर में सो वेन यू वॉन्ट टू Get the target of Z wave. How you you can get that? Again, use the Fibonacci uh, extension tool. Place it on this point, then this, and then this point. So here the point is not yet fixed. Okay, so I have considered 17,500 as a point uh, of X wave, uh, top of X wave. So this 100 points and it will but now I will say that this is But yes, it's possible uh, to go in another round of correction. So now, Nifty, when you plot targets on these levels, 17,500 and

जब बी का टॉप बनेगा तब अभी अभी पता नहीं कहां पे बनेगा जब तक ये बी का टॉप ब्रेक नहीं होता वी नॉट से टॉप ऑफ बी वेव वी कैन कंसिडर द न्यू स्टार्टेड सो ये एनालिसिस है निफ्टी के ऊपर सो दिस इज हाउ वी आर कंसिडरिंग वाई वेव लाइक जेड वेव टू बी जेड वेव

सो so, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो सो दिस इज़ हाउ आई हैव प्लॉटेड एलियट वेव्स एंड दिस इज हाउ आई एनालाइज्ड एंड निफ्टीज मूव सो आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे बाय बाय थैंक यू